इसलिए बनता है कि उस संगठन में मौजूद जो लोग होते हैं उनकी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं आगे तक पहुंचे। ऐसे संगठनों का एक नेतृत्व भी होता है। कई संगठन ऐसे होते हैं कि जो कई संगठनों का भी नेतृत्व करते हैं, और इन संगठनों का नेतृत्व जब करना पड़ता है तो वो किसी इंद्रधनुष से भी मजबूत होना चाहिए, और होता भी है। तो इस इंद्रधनुष को पेलने की जो क्षमता होती है वो सब में नहीं होती है। आज इस स्टूडियो में जो मौजूद शख्सियत हमारे साथ में है वो ऐसा इंद्रधनुष अपने कंधों पर लिए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरभजन सिंह सिद्धू की, जो कि हिंदू महासभा के, हिंदू मजदूर संगठन के नेतृत्व करते हैं, जनरल सेक्रेटरी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपका स्टूडियो में तो हम स्वागत भी करते हैं। और सबसे पहले तो सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि अपने भारतवर्ष में जो मजदूर संगठन या मजदूरों की जो स्थिति है उस पर आप किस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरभजन सिंह सिद्धू महामंत्री हूँ हिंद मजदूर सभा का। जी जी, ये देश का इकलौता मजदूर संगठन है जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। जी, वी आर फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट। जी, और देश की आज़ादी के बाद हमारे जो देश के फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों के ज़माने में तो गुलाम रहे जी, और उस वक्त तो बंधुआ मजदूर के तौर पे हिंदुस्तानी काम करता था जी, और उसको फोर्स लेबर भी कहा जाता था। कोई टाइम काम के घंटे नहीं हुआ करते थे जी, कोई पगार की बात नहीं हुआ करती थी, कोई उनकी सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता था, कोई नियम ही नहीं थे, कोई नियम नहीं थे, और उनको फोर्स लेबर की तरह से वो इस्तेमाल करते थे। और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर अंग्रेजों के टाइम पर भी कोशिश की कि मजदूरों के हकों की रक्षा की जाए, परंतु क्योंकि वो रूलर थे और इस वजह से सुनते नहीं थे, और उसमें हड़तालें भी होती थी, नेगोशिएशन में बहुत बड़ा गैप रहता था, उसमें डायलॉग नहीं रहता था। और देश की आज़ादी में मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस वक्त के जो जितने भी मजदूर जिस भी सेक्टर में काम करते थे, चाहे वो रेलवे है, गोदी कर्मचारी हैं, कोल माइंस के हैं, रोडवेज वाले हैं, एयरवेज वाले हैं, समुद्री जहाज वाले हैं, सबका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। और देश आज़ाद होते ही हमारे जो उस वक्त के सीनियर लीडर थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने और अशोक मेहता, आर एस रुईकर नागपुर के ही थे, और उनके बीच में एंथनी पिल्ले, मणिबन कारा, पसावन सिंह, हर सेक्टर के बड़े बड़े नेताओं ने जो 427 यूनियन का नेतृत्व करते थे, जिसका 6 लाख शुरुआती दौर की हम बात कर रहे हैं। हाँ, शुरुआत की तो 6 लाख की मेंबरशिप थी। दिसंबर में 24-25-26 को 1948 में जी हावड़ा में इसका उन्होंने जन्म किया, और पहले जो अध्यक्ष बने वो आर एस रुईकर बने और जनरल सेक्रेटरी अशोक मेहता बने जी। और उसमें जो हमारा संविधान बना, हमारा जो हमारी आइडियोलॉजी है जी, उसके अंदर ये लिखा गया है कि यूनियन शुड बी फ्री, इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेट, यूनियन शुड नॉट वर्क अंडर एनी पुल एंड प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड पॉलिटिकल पार्टी जी। तो उसी विचारधारा से अभी तक हमने 75 साल पूरे किए हैं, और दिसंबर में 24-25-26 को हमारे 75 साल पूरे हो गए। और अभी हमारी जो देश के अंदर हर सेक्टर में हिंद मजदूर सभा काम कर रहा है जी, और हमारी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब मेंबरशिप अभी इस वक्त है। और हमारा भारतीय रेलवे के अंदर जो जितना हमारा संगठन है जी, जो हमारे से संबंधित है, वो अभी तक के जितने भी सीक्रेट बैलेट से चुनाव हुए हैं उसमें नंबर 1 पर हमारा स्थान है जी। ऐसे ही आप कोल माइंस के अंदर जितने भी हमारी कोल माइंस हैं, वहाँ पर जितने भी कंपनियां हैं उनके अंदर भी हमारी यूनियनों का स्थान बाई चेकआउट सिस्टम में नंबर 1 पर है। सिमिलरली हमारा कोदी कर्मचारी जितने भी हैं, जितने समुद्री जहाज के कर्मचारी हैं जी, और ये गोदी में काम करने वाले और जहाजों पे काम करने वाले दोनों सम्मिलित है इसमें? हाँ, वो दोनों सम्मिलित हैं, और उसमें हमारा नंबर 1 पोजीशन है जी। और जो सी फेरर है, बाहर जाते हैं समुद्री जहाजों के ऊपर, उसका हमारा एक ही नेशनल सी फेरर ऑफ इंडिया का संगठन है, बहुत मजबूत है, उसके सारे कर्मचारी उसी के मेंबर हैं, और जितने कैप्टन हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, वो मैरीटाइम यूनियन के नाम से हैं, वो भी हमारा इकलौता बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर जितना सरकारी के रोडवेज है जी, उसकी हमारी एकलौती यूनियन है जो मान्यता प्राप्त है, और वो भी हमारा एफिलिएट है। एयरवेज में पहले हमारा जो गिल्ड का यूनियन था वो हमारा ही यूनियन है,
और इस तरीके से दूसरे BHEL है, स्टील है, जितने PSUs हैं बड़े बड़े, सभी सेक्टर को हमने करेक्ट कवर किया है। और आजादी के बाद फिर हमने इनफॉर्मल सेक्टर को भी सब काम में लिया है, जैसे एग्रीकल्चर वर्कर है, होम वर्कर है, डोमेस्टिक वर्कर है, चाहे वो कोई गिग वर्कर है, चाहे कोई छोटा छोटा जो काम करने वाले हैं, तो उन सबको हमने संगठित किया है। क्योंकि देश की आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना, उसके जो सपने थे लोगों के कि हमारा अपना सरकार होगी, अपना देश होगा, उसमें कोई गुलाम नहीं होगा और उनको पूरा हक एज भारतीय उनको मिलेगा, और जो उनकी पगार है वो जितना एक पगार जो मिनिमम वेज के साथ जो है वो उनको मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत संघर्ष किया हमारे से पूर्व नेताओं ने जी। और सरकार से वार्ता करके 44 श्रम कानूनों को बनवाया गया था, जिसमें फैक्ट्री एक्ट बना जी। उसमें ये तय किया गया कि किसका क्या अधिकार है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जी। मालिक का क्या अधिकार है, मालिक की क्या जिम्मेवारी है, मजदूर की क्या जिम्मेवारी है और क्या उसका अधिकार है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करवाया। यस, उसका शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हुआ और नॉन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हुआ, और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो आइडेंटिफाइड सेक्टर हैं वो सब उसमें आए, और नॉन शेड्यूल में जो नहीं आते थे उनको दूसरों में रखा गया। और हमारे देश के अंदर ये 44 श्रम कानून जो बने उसका संघर्ष बहुत होते रहे, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, जो लेबर मिनिस्ट्री को एग्जीक्यूशन पार्ट जो है उसका बहुत बहुत कमजोर है। इसी वजह से उनका एक्सप्लॉयटेशन वर्कर का होता है, क्योंकि हमारे देश में इस वक्त तकरीबन 54 करोड़ के करीब टोटल वर्क फोर्स है जी, और उसमें से 93% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित मजदूर उनको कहा जाता है जी, जी, जी। और असंगठित मजदूर जो है वहां पर अभी भी आजाद देश में कोई भी मालिक जो है उनको यूनियन बनाने के लिए जो है वो अधिकार नहीं देता। और टालते रहते कि कहीं ना कहीं, मतलब कोशिश ये रहती कि कोई उनका संगठन ना बन पाए। यस, वो उनको अगर कोई बनाने की कोशिश करता है उसको निकाल दिया जाता है, फिर वो कोर्टों में धक्के खाता है। तो उनको उनका जो एक कानूनी तौर पर उनके काम के घंटे 8 हैं, ये 1919 में हमारे देश में ILO का फाउंडेशन हुआ था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। उस वक्त ब्रिटिशर थे यहाँ पर रूलर हमारे, परंतु उस वक्त एक पहला नंबर जो कन्वेंशन हुआ था कि वो काम के घंटे 8 होने चाहिए, क्योंकि ये 188 साल पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी शिकागो से शुरू हुई थी कि भाई 24 घंटे में से 8 घंटे काम करेगा, 8 घंटे वो अपना रेस्ट करेगा और 8 घंटे में अपनी सामाजिक जिम्मेवारियां निभाएगा, उसकी फैमिली की जो भी परिवार की जिम्मेवारी है उसको निभाएगा। तो परंतु ये पास जरूर हुई कन्वेंशन, कानून भी बन गया इसका, फैक्ट्री एक्ट के अंदर भी इसका प्रोविजन है, परंतु उसके बावजूद भी मालिक जो है 12-12 घंटे काम लेते हैं और उनको मिनिमम वेज भी देने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो है बुढ़ापे का सारा PF जो कटता है वो भी काटने के लिए 12% उनको शेयर देना होता है मालिक को, लेकिन दोनों तरफ का शेयर वो कहते हैं कि जो एम्प्लॉई है उसके पगार से कटी जाए। हाँ, वो तो ये कहते हैं कि ये हम इसका उसकी मिनिमम सीलिंग जो है वो 20 एम्प्लॉई जहां जिस फैक्ट्री में काम करते होंगे उसी को ही उसमें कवरेज मिलता है, और पर वो चाहे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारे पास तो 7 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बाकी डिफरेंट 5 ठेकेदारों के हैं, इसलिए लिहाजा हम इनको कवर ही नहीं होते हैं उसके अंदर। और उसमें वो मिले हुए हैं जो PF की मैनेजमेंट है उनसे भी मिले हुए हैं, तो लिहाजा वो भी हमारा ड्यूटी है कि भी हम उनको सरकार को बताते हैं जी। जो कमेटियां बनी हैं उस कमेटियों में इस बात को उठाया जाता है कि भाई ये फला एम्प्लॉयर जो है इसका वायलेशन कर रहा है, तो इंस्पेक्शन होनी होती है, परंतु उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि एम्प्लॉयर कोशिश करता है कि भी वो वहां पर किसी तरीके से उनको पैसा वैसा दे दे, कोई पगार दे दे, ताकि कोई इंस्पेक्टर आकर, कोई ऑफिसर आकर उनकी फैक्ट्री का इंस्पेक्शन ना करे। और सरकार ने ऐसा दबाव बना दिया है कॉर्पोरेट हाउस ने, विदेशी कंपनियों ने, कि हम तब इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप हमारे को ऐसा छूट दें कि कानून जो है वो बिल्कुल लाचीले होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और हम जब जी चाहे जिसको नौकरी पे रखें, जब जी चाहे हम जिसको मर्जी चेकआउट कर दें, और उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी उनको बीमारी तो नहीं कोई लग गई है, वो अगर आपके कारखाने में काम कर रहे हैं और कारखाने में अगर काम कर रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका वर्किंग इन्वायरमेंट ठीक है कि नहीं है, 8 घंटे ज्यादा नौकरी ना हो, एक बेसिक हाइजीन वहां पर होना चाहिए, यस, और उसके बाद उसका रेस्ट होना चाहिए, जिस मशीन को हैंडल कर रहा है उसके लिए उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और ताकि उसको चोट ना लग जाए और उसकी जान ना चली जाए, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होनी चाहिए जी। और उसके लिए सारी सुविधाएं, रेस्ट रूम है, कैंटीन है, काम पे आने के लिए ट्रांसपोर्ट है, वापस जाने के लिए ट्रांसपोर्ट है, और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन है, उनके बुढ़ापे माँ बाप के बीमारी के लिए इलाज कराने की सुविधा
सुविधाएं हैं, ये सारी चीजें अगर हमारे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर कर्मचारी से काम लेकर मुनाफा कमाता है तो उस मुनाफे में से कुछ परसेंट जो है वो कर्मचारियों के लिए भी उनको निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मजदूर जो होते हैं वो ही जो प्रोडक्शन जो भी होता होगा उसके लिए वो सीधे सीधे जिम्मेदार, उतनी मेहनत वो लोग करते हैं तो ये उनका हक भी है जो उनको सीधे तौर पर मिलना। देखिए, किसी भी देश का निर्माण जो है वो श्रम और पूंजी मिलके करते हैं जी, और अगर वो श्रम और पूंजी मिलेगी तभी किसी देश का निर्माण होगा, तभी देश का डेवलपमेंट होगा। और अगर उस डेवलपमेंट में जो हिस्सा मजदूर का बराबरी का मिलना चाहिए उसके श्रम का, वो उसको ईमानदारी से मिलना चाहिए। परंतु अभी ये वातावरण ऐसा बना हुआ है कि जो पूंजी है वो चाहती है कि अपने प्रॉफिट में से हम उनको मिनिमम बेनिफिट दें और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। मतलब श्रमजीवी जो वर्ग है उसको किस तरह से निचोड़ा जाए इसके ऊपर में पूंजीपतियों का ध्यान थोड़ा सा ज्यादा है। यस, क्योंकि अभी देश की आजादी के बाद सरकार जो था वो कस्टोडियन था वर्कर का, उसका मालिक था कि ताकि उसके साथ कोई अन्याय ना हो और जो श्रम कानून बने हुए हैं उन श्रम कानून को सख्ती से लागू किया जाए और जो वर्कर का एक उसका ड्यू राइट है, जो शेयर है उसका प्रॉफिट में से, वो उसको ईमानदारी से मिले और उसकी नौकरी के ऊपर गारंटी रहे। जो पक्की 12 महीने की नौकरी है उसको ठेके पे ना दिया जाए, उसको रेगुलर कर्मचारी माना जाए और उसको बेवजह नौकरी से ना निकाला जाए। अगर किसी से गलती होती है तो उसको बाकायदा डीएनआर डिसिप्लिनरी अपील रूल के अंदर ही डील विद किया जा सकता है। परंतु ऐसा कोई भी एम्प्लॉयर नहीं है जो इन चीजों को पालन करता है, ओपनली खुले तौर पर जितने भी श्रम कानून है उनका वायलेशन करता है और उसके बाद कभी भी कोई कंप्लेन करता है वर्कर अगर लेबर मिनिस्ट्री में जी। तो उस लेबर मिनिस्ट्री में लेबर मिनिस्ट्री बहुत एक उदासीन के तरीके से काम करती है, तुरंत एक्शन भी उसके ऊपर नहीं लेती है। तो इतना न्याय मिलने में जो है बहुत देरी होती है, बहुत देरी होती है। वो यंग एज में अगर कोई कहीं पे कहे कि मुझे गलत निकाला गया नौकरी से और अगर वो लेबर कोर्ट जाता है तो मालिक फिर उसमें हारने के बाद हायर नेक्स्ट हायर कोर्ट में चला जाता है और वो तब तक वो बूढ़ा हो जाता है कर्मचारी जो है वो कानूनी व्यवस्था या कानूनी ये वो जो पचीदे इतने हैं कि उसमें समय न्याय मिलने में काफी बहुत समय लग जाता है, वो इतना डिले है तो इसलिए डिले इन जो जस्टिस ये इस तरीके का ये फार्मूला देश में चल रहा है। परंतु हमारे हिंद मजदूर सभा का ये हमारा अपना प्रतिज्ञा है कि भाई हम जो भी देश में कामगार है जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है उसके हक जो है कानूनी तौर पर उसको बाइज्जत मिलने चाहिए, तो उसके लिए हमारा हिंद मजदूर सभा पर प्रयासरत है। और हमारा जो अभी हम देश के अंदर जो पिछले 10 साल से सरकार आई है उनके ऊपर इतना दबाव देश की और विदेशी की ताकतों ने लगाया है जो पूंजीपति हैं कि आप लेबर लॉज को रिलैक्स कर दीजिए, तो उन्होंने हमारे 44 श्रम कानूनों को बिल्कुल रद्द कर दिया है। उनके कहने से 4 श्रम कोड बनाए हैं उन्होंने, उस श्रम कोड के अंदर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम के घंटों को बढ़ा दिया गया है। उनकी जो इंस्पेक्शन होती थी जिसमें उनकी सेहत का उनकी जान माल की रक्षा करने के लिए इंस्पेक्शन होती थी वो बंद कर दी गई है और लिहाजा किसी भी कर्मचारी को जो है वो पक्का नौकरी पे नहीं रखा जा रहा है। उसमें प्राइवेटाइजेशन जो ठेकेदारी प्रथा है इसको और ज्यादा बढ़ावा मिल गया है और ठेकेदारी प्रथा में मैक्सिमम वर्कर का उत्पीड़न है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे 8 घंटे ज्यादा काम लेते हैं, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, उनके बुढ़ापे का सहारा पीएफ नहीं काटते हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो ईएसआई एक इंश्योरेंस एम्प्लॉयज इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत भी उनका पैसा नहीं कटता है, तो ताकि उनको भी जो सुविधाएं नहीं मिलती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सुविधा है नहीं या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जा नहीं सकते हैं, तो लिहाजा इस वजह से बहुत ही ज्यादा बीमारियों के भी वो जो है शिकार हो रहे हैं वर्कर जो है। तो ये एक नई तरीके की लड़ाई आपको फिर से शुरुआत से लड़नी पड़ रही होगी फिर सरकार के साथ में, जब ये श्रम कानून का जो प्रावधान उन्होंने रद्द कर दिया है। तो एक चीज और होती है सिद्धू सर की, जितने मजदूर हैं उसमें से कोई वर्ग ऐसा रहता है कि जो अशिक्षित होते हैं उनको सारे कानूनों से अवगत कराना, उनको उस तरह से एजुकेट कराना, तो एक अलग चैलेंज होगा आपके सामने। हाँ नहीं, इसके लिए हिंद मजदूर सभा ने हमारे पास एजुकेशन की हमने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि हम मजदूर के चंदे से ही और उसमें से सेविंग करके एजुकेशन ट्रेड यूनियन एजुकेशन वर्कर को देते हैं कि आपके अधिकार क्या है और आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, क्योंकि वो अधिकार लेना अपनी जगह पे है और जिम्मेवारी को भी निभाना जो है वो दूसरी जगह पे है, और दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं और जब बराबर चलेंगे तभी किसी इंडस्ट्री में उत्पादन होगा, तो उसमें मुनाफा होगा, मुनाफे के अंदर वर्कर को शेयर मिलेगा।
मिलेगा जो उसका ड्यू राइट है, और जो ईमानदारी से एक सेटल्ड रूल है कि जो पूंजी और श्रम अगर जब तक दोनों नहीं लगेंगे बराबर तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर किसी भी देश के अंदर निर्माण नहीं हो सकता है, और अगर दोनों का लगना है तो उसमें से जो मुनाफा आएगा वो उनके बराबर शेयर उनका इक्वल बाइज्जत उनको मालिक को देना चाहिए। परंतु मालिक यहाँ पर बड़े से बड़ा मालिक देशी हो या विदेशी, वो उनकी वेज की चोरी करता है, उसके वेतन की चोरी करता है और उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करता है, अत्याचार करता है उसके ऊपर। उसके ऊपर श्रम कानून सख्ती से लागू होने चाहिए, जिसका बहुत ही लचीलापन सरकार के रहते हुए चल रहा है। तो इसमें हमारा काफी संघर्ष किया है सरकार से, हमने बड़ी बड़ी 5 हड़तालें करी हैं और उस हड़तालों के बाद भी सरकार इस नतीजे पे नहीं आ रही है कि उन श्रम कानूनों पे, जो हमारा एक प्लेटफॉर्म है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो हर साल होती है, और अगर कोई कानून बदला जाए या उसमें इम्प्रूवमेंट करने की बात है तो सरकार को उस मीटिंग के अंदर वो प्रस्ताव लाना चाहिए, उसमें मालिक और वर्कर और सरकार बैठकर आफ्टर डिस्कशन अगर सहमति बने जी तो उसमें सुधार भी लाया जा सकता है और उसको बदला भी जा सकता है। परंतु सरकार जो है इसमें इस बारे में बिल्कुल उदासीन है, और 2015 के बाद कोई ILC बुलाई नहीं गई है, और वर्कर हम सड़कों पर हैं, हम यूनियन जो है हिंद मजदूर सभा सरकार से ये कह रही है, हमारा जो आइडियोलॉजी है विचारधारा है कि कोई भी फैक्ट्री बंद नहीं होनी चाहिए और वहां पर बेवजह कोई हमारे को लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हड़ताल नहीं करनी चाहिए, वर्कडाउन जी बिल्कुल, अगर हम बेवजह हड़ताल करें तो फिर वैसे तो फिर कर्मचारी का नुकसान होता है, तो इसलिए वहां पर अशांति ना हो किसी उद्योग में, शांति बनी रहे और बड़े ही कॉर्डियल रिलेशन से उसका प्रोडक्शन निकले और उस प्रोडक्शन के प्रॉफिट में से वर्कर का भी जो जीवनी है वो चलती रहे, उसके बच्चों की पढ़ाई हो पाए, उनका बच्चों का आगे शादियां हो पाए, वो अपना रहने के लिए मकान बना पाए और उनके सुविधाएं जो एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए वो उसको उनको सबको मिलना चाहिए। ये हमारा हिंद मजदूर सभा की एक विचारधारा है, उस विचारधारा के तहत हम काम कर रहे हैं, परंतु सरकार सुन नहीं रही थी तो इस वजह से हमने 10 मजदूर संगठनों ने एक देश का नेशनल एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया और कि भाई सरकार नहीं हमारी बात सुन रही है, तो बात नहीं सुनी तो हमने फिर जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है हमने हड़ताल पे जाने के फैसले किए, 5 दफा हड़ताल पे गए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर कोई हड़ताल हो क्योंकि देश हमारा है जी, हम देश के मजदूरों के नेतृत्व करने के साथ ही मजदूर भी इस देश के नागरिक है, आप भी इस देश के नागरिक है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि देश की प्रगति में कोई प्रावधान हो, लेकिन जो देश चला रहे हैं जो सरकार है चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो स्टेट की हो, उन्होंने भी मजदूरों का उसी तरह से ध्यान रखना बहुत ही मतलब एक उनकी अपनी अलग जिम्मेदारी। हम ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार है वो सरकार आम देश के नागरिक ने मजदूर नहीं चुनी है जी बिल्कुल, और अगर सरकार बनने से पहले जो राजनीतिक पार्टियां उनसे वायदे करती हैं कि हम संविधान का पालन करेंगे, आपके 2 हाथ को अच्छा काम देंगे, आपको अच्छा वेतन मिलेगा, आपको रहने की जगह मिलेगी, आपके बच्चों की पढ़ाई की हम व्यवस्था करेंगे, आपके इलाज के लिए बीमारी के लिए हॉस्पिटलों की व्यवस्था करेंगे और आपको जो सिविक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए 24 घंटे बिजली मिलेगी, पीने का पानी आपको मिलेगा, सड़कें बनेंगी और लाइटें रहेंगी, परंतु उसके ऊपर सरकार जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो ये पैसा दूसरे कामों के लिए है, परंतु जो देश का निर्माण करता है उस निर्माण करता की जो संवैधानिक हक है उन संवैधानिक हकों के ऊपर हमले हैं, तो लिहाजा इसके लिए संघर्ष जारी है हमारा। और अभी भी हमने सरकार को काफी परस्यू करने की बात करते हैं कि बेवजह देश के अंदर उद्योगों में अशांति पैदा ना हो, क्योंकि देश का निर्माण रुकना नहीं चाहिए, देश का निर्माण होना चाहिए, ये हमारे हिंद मजदूर सभा के विचारधारा में सब लिखा हुआ है किताबों में, और हमारे प्रयास भी रहता है कि हम किसी भी हालत में किसी भी फैक्ट्री को बंद ना करने दें और उस फैक्ट्री के अंदर जितना सुधार हो सके, जितना उत्पादन बढ़ाया जा सके, वर्कर की जो है प्रॉपर उनकी यूटिलिटी यूज किया जाना चाहिए, वर्किंग कैपेसिटी है उसको हर तरह से एनहांस। हाँ, न्यू टेक्नोलॉजी आए, न्यू टेक्नोलॉजी से ये है कि उसमें प्रोडक्शन बढ़ सकता है, परंतु किसी वर्कर का रोजी रोजगार नहीं जाना चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि वो हर एक आदमी के 2 हाथ को काम दे। हमारे देश के सरकार ने कहा भी था जब पावर में आई थी कि हम 2 करोड़ हर साल नौकरियों का सर्जन करेंगे और ताकि देश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, परंतु सरकार जो है पूंजीपतियों के दबाव में आकर जो जितने रेगुलर काम है जो 12 महीने चलते हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट पे देना शुरू कर दिया है, और ठेकेदार जो है वो सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे मिलकर श्रम कानूनों का इजाजत दे देते हैं एम्प्लॉयर को कि भी हम आएंगे नहीं, हम इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, आप
आप जो जितना उत्पीड़न कर सकते हो, जितना इनसे प्रॉफिट ले सकते हो, जितना उत्पादन बढ़ा सकते हो वो इनसे आप ले सकते हो, तो लिहाजा उनका प्रॉफिट के अंदर जो शेयर उनको मिलना है वो उनको देने के लिए वो कंजूसी करते हैं। तो मैं आप कहीं ना कहीं रक्षक ही भक्षक बने हुए, ये जो बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो वो कैसे फसल होगी। तो इसके लिए हमने देश की जो कंपनियां हैं उनसे भी शंगर जारी है, जो विदेशी कंपनियां हैं उनसे भी शंगर जारी है। मैं आपको एक एग्जांपल मारुति सुजुकी का देता हूँ। मारुति सुजुकी जापानी कंपनी है, परंतु वहां पर वो जितनी कारें बनाती है उतना जापान में नहीं बनाती है, और यहाँ पर जितनी कार बनाती है उसमें ठेकेदारों का मैक्सिमम 60% इस्तेमाल करती है, और ठेकेदार के वर्कर को जो है पूरा ना वेतन मिलता है ना उसको बराबर कर्मचारियों के उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो उन्होंने यूनियन बनाना चाहे तो उनको यूनियन नहीं बनाया जाता है। जो मानेसर में उन्होंने फैक्ट्री बनाई वहां 2012 के अंदर इसी मांग को लेकर कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि हम अपनी यूनियन बना सकते हैं और अपनी मांगों को आपके सामने रख सकते हैं, ताकि उसके अंदर नेगोशिएशन में कोई डायलॉग में कमी ना आ जाए जिसकी वजह से वहां पर हड़ताल होने की नौबत ना आ जाए। तो अगर जब तक वार्ता रहेगी, वार्ता रहने के अंदर कभी भी हड़ताल नहीं होती है, वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर अपनी अपनी बातें रखते हैं और उसमें कहीं ना कहीं समझौता होता है। तो इसलिए सामूहिक सौदेबाजी भी जो है रुकनी नहीं चाहिए, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो होनी चाहिए, परंतु सरकार ये चाहती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग ना हो, ठेकेदारों के ऊपर काम सारा छोड़ दिया जाए और ठेकेदार जो है वो सोशल डायलॉग भी नहीं करते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए भी तैयार नहीं होते हैं जी, क्योंकि उनको कुछ उनकी जिम्मेदारी उनको कुछ लेना देना नहीं, उनका काम चल रहा है तो इस हिसाब से वो सब अपने फ्री माइंड से चल रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये मारुति सुजुकी ने फिर वर्करों को दबाने के लिए, उनको एक मैनेजर का आग लगने के धुएं की वजह से मर गया, 147 आदमियों को पकड़ के 302 में बंद कर दिया, 4.5 साल वो जेल में रहे, उनके परिवारों के सदस्य कई मर गए, और अभी जो ट्रायल होने के बाद 2 साल पहले कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही मासूम है कर्मचारी, इनका उस मर्डर केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लिहाजा इनको बरी किया जाता, परंतु आज की तारीख तक भी हमारी सरकार उनको नौकरी नहीं दिला पाई है। हम उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ILO में लेके गए हैं, अभी वहां भी केस चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। और जो ड्यूरेशन लग रहा, जो जितनी देर वो जेल में रहे उनका उत्पीड़न, उसके ऊपर कितना टॉर्चर हुआ है, उसका कितना मेंटल उसकी एग्नी उसकी हिट हुई है, ये इसके ऊपर सरकार को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्कर के आप कस्टोडियन हैं, परंतु अभी सरकार उसका कस्टोडियन से हटके फैसिलिटेटर टू द एम्प्लॉयर हो गया है। वो कहते हैं कि हम फैसिलिटेट करेंगे एम्प्लॉयर को बिजनेस के लिए कैपिटल को, हम कहते हैं कि आप उसको फैसिलिटेट करिए परंतु वर्कर का कस्टोडियन रहिए, और वर्कर के हितों की रक्षा करने के लिए जो श्रम कानून बने उनको मत छेड़छाड़ करिए, उनको ना बदलिए मालिक के कहने से उनका अधिकार, क्योंकि वो आपका वोटर है और जो वोटर आपका है वो उसको आपको उसके हकों की रक्षा करने का सरकार का धर्म बनता है। तो लिहाजा अभी इसके बीच में काफी जदोजहद चल रही है, सरकार हमारी बातों को अभी समझने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा अभी हमने पीछे जो किसान जितने भी हैं उनके ऊपर भी जो बिल लाया गया था वो भी 1 साल से ज्यादा धरनों पे बैठे रहे थे, अल्टीमेट काफी लंबा सिलसिला, 727 के करीब किसान मारे गए उसके अंदर, और उसके बाद सरकार ने माना, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा कि ठीक है हमने तो इनके हित में बनाए थे, ये नहीं अच्छा समझते तो मैं वापस ले लेता हूँ, जो उनसे वायदे किए थे कि आपका इस 1 साल के अंदर जितनी मौतें हुई हैं उनको अनुकंपा के आधार पर उनके आश्रितों को नौकरी मिलेगी, जितने पुलिस केस उन पर झूठे बने उनको वापस ले लिया जाएगा, उनकी जो आमदन है फसल की वो डबल कर दी जाएगी, उनको सारी की सारी जो है वो कंपनशन सब्सिडी मिलेगी, खाद के ऊपर मिलेगी, बीज के ऊपर मिलेगी, पानी उसको फ्री मिलेगा, बिजली उसको 12 घंटा फ्री मिलेगी। वो उन बातों से सरकार मुकर गई है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो अभी किसान और मजदूरों ने एक मंच पर आ गए हैं जी। अभी हमने 24 अगस्त को दिल्ली में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, उस सम्मेलन में हमने किसानों की मांग पत्र भी लिया, मजदूरों का मांग पत्र भी लिया, एक ज्वाइंट चार्टर हमने उस पर बनाया, प्रस्ताव बनाया जो सरकार को भी भेजा है, परंतु सरकार अभी उसके ऊपर वार्ता करने को तैयार नहीं है। हमने पिछले अक्टूबर और नवम्बर के अंदर पूरे देश में हर वर्कर को देशवासी को समझाने का काम किया है कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं सरकार से, सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि हमारे जो जायज हक हैं उनको वो सरकार पूरा करे और श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करें, उसको बदलाव नहीं होना चाहिए बिना वार्ता के, हमारे से वार्ता करके करें तो तब समझ में आता है कि भी उसमें क्या फायदा करना चाहते हैं। डायलॉग के लिए बोला है तो एक पहल तो हो कम से कम। अब ये एक डायलॉग जो ये कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि किसी भी बड़े से बड़े समस्या को सुलझाया जा सकता है, उसका समाधान हो सकता है, लेकिन उसकी पहल तो हो सकता है, उसका उसके सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए, परंतु सरकार इसके अंदर पहल के लिए राजी नहीं है। हमने कई प्रयास कर लिए कि उनको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाना चाहिए,
प्रधानमंत्री को उसका उद्घाटन करना चाहिए और उसके अंदर जो भी मुद्दे हैं वो त्रिपक्षीय वार्ता के जरिए उसको रिजॉल्व कराने का काम करें जो देश के हित में है जी। वो देश के हित में है, देश के नागरिक के हित में है, तो लिहाजा ऐसा काम ना हो कि जो देश के भी नुकसान हो और देश के नागरिक का नुकसान हो। वो नागरिक जो सरकार को चुन के भेजती है, उस सरकार का फर्ज बनता है कि वो देश के हर नागरिक का ख्याल रखे, उनके हकों का ख्याल रखे। हम डेमोक्रेट कंट्री हैं, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारे देश में है, तो लिहाजा यहाँ पर ये अधिकार वर्कर का रहना चाहिए कि वो अपनी जायज मांग को मालिक के सामने रखे, सरकार के सामने रखे और सरकार उसको टाइम फ्रेम के अंदर उसका निदान उसका निकाले। आपको सर सरकार के भी सरकार में वो भी आपको देख रहे हैं, आपके मजदूर भाई भी आपको देख रहे हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी भी आपको देख रहे हैं। आज 2024 का आगाज हो चुका है, आने वाले समय में आप कैसा एक भारत देश देखते हैं मजदूरों के परिप्रेक्ष्य से, उनके नजरिए से कैसा आप देश देखते हैं? मजदूरों के नजरिए से तो मैं आपको बताऊं कि मजदूर हमारे देश में अभी जस्ट लाइक ए बाउंडेड लेबर काम कर रहा है, जैसे बधवा मजदूर होता है उस तरीके से काम कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे उससे काम लिया जा रहा है, उसको कोई भी एम्प्लॉयर अपना पक्का एम्प्लॉय नहीं मानता है, उसको रोस्टर पे नहीं रखता है, उसकी वेज की चोरी करता है, उसके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल नहीं रखता है, उनके बच्चों का बीमारी का ख्याल नहीं रखता है, उसके लिए अपने प्रॉफिट में से कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ये सरकार को चाहिए कि इन चीजों को इंश्योर कराए, परंतु सरकार जो मालके के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसों में हाथ मिलाए हुए हैं और वो वर्कर को उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है, देश के नागरिक के हित में नहीं है। मजबूरन हमने, किसानों ने और मजदूरों ने फरवरी की 16 तारीख को देश के अंदर इंडस्ट्रियल हड़ताल पर जाने का फैसला किया है, किसानों ने जो है वो गांव बंद करने का फैसला किया है, जो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार इसके ऊपर गौर करे और इसके अंदर वार्ता शुरू करके देश के अंदर कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान हो। और वातावरण एक इस तरीके का बना हुआ है, हम भी चाहते हैं कि देश का विकास हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान डेवलप हो, परंतु इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए कि चंद देश के जो पूंजीपति हैं वो पूरी देश की 70-80% वेल्थ को इकट्ठा करके अपने पास इकट्ठा कर लें और 99% जो देश का आम नागरिक है वो भूख के कगार पे चला जाए, बेरोजगारी उसके घरों में घुसी हुई है और उनको सरकार, क्योंकि नौकरी नहीं मिल पा रही है उनको, 82 करोड़ को 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल खाने को दे रही है, तो ये कोई देश की अच्छी तरक्की का निशानी नहीं है कि जिस देश के अंदर 140 करोड़ में से 82 करोड़ के बाद काम नहीं है, उनको सरकार टैक्सपेयर के पैसे से उनको खाने का व्यवस्था कर रही है। तो सरकार को चाहिए कि उनको खाना देने की बजाय उनके लिए नौकरियां उनको उसको सर्जित करें और वो अपने आप पर निर्भर करें और उनकी इनकम बढ़े, उनकी इनकम बढ़े तो उसकी सेविंग बढ़े, अगर उनकी सेविंग बढ़ेगी तो देश मजबूत होगा और हमारे देश का जो मजदूर है उसकी आमदन बढ़ेगी, अगर उसकी आमदन बढ़ेगी तो देश की भी आमदन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी हमारी और वो जीडीपी बढ़ने से हम भी दुनिया के अंदर, ग्लोब के अंदर एक विकसित देश की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ में थे हरभजन सिंह सिद्धू जो कि बता रहे थे कि हमारे घर में आने वाले अनाज से लेकर तो जितनी भी मशीनें, चाहे हम गाड़ी चलाते हो जब कुछ भी, उसमें कहीं ना कहीं मजदूरों का सहभाग जरूर होता है। इस देश में करोड़ों मजदूर हैं, उनकी चिंता करना, उनके भले के लिए लड़ना, ये दायित्व उन्होंने निभा भी रहे हैं और निभाते भी रहेंगे। हम आपको और आपकी पूरे टीम को सर बिल्कुल शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं आपने हमारे से बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो चैनल है वो देश के अंदर आम नागरिक उसको देखता है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को नागरिक भी देखे, मालिक भी देखे और सरकार भी देखे और इसका कोई निदान जरूर निकाले। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।